अच्छा यहाँ यहाँ की जो डाउट फैकल्टी है वो कैसे हैं? अच्छा भाई, जो साक्षी वाला डाउट है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऑफलाइन बेस्ट सही है कि ऑनलाइन बेस्ट सही है, बताइए आप। अच्छा, टीचर सपोर्ट करते हैं क्या? PW का मॉड्यूल एडवांस क्लीनअप है तो आप ये बताइए, यहाँ के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताइए। डाउट किसने कभी यहाँ पे आया कोचिंग में? ओए बाबू, रुको रुको रुको, क्या नाम है? आयुष। किस बैच से हो? 12th। 12th से। ये बाइक पर? हाँ। तो PW किस 12th बैच से हो? हाँ। 11th कहाँ से पढ़े हो? 11th भी PW से ही किया था पूरा ईयर। इधर आ जाओ। और PW की जर्नी तुम्हारी कैसी रही? ये PW की मेरी पिछले एक साल की जर्नी तो बहुत बढ़िया रही, मतलब टीचर्स भी सपोर्टिव है, मटेरियल भी अच्छा है, और मैं सच कहूँ तो जो ऑनलाइन हर कोई कहता है कि PW ऑफलाइन में मत आओ, अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा कि फुली रिकमेंड करूँगा मैं कि बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ आने के बाद मेहनत करोगे तो ये बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। इवन मैं भी पिछले साल, मेरी इतनी हेल्प हुई है, मैं शायद पहले जैसे पढ़ाई में आप कहो कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, आने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और मुझे लगता है कि इस साल मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अच्छा, टीचर सपोर्ट करते हैं? ज़रूर। और यहाँ सुनते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि यहाँ का जो माहौल है बहुत ख़राब है। नहीं नहीं नहीं, वो तो वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ आने के बाद गलत चीज़ों में इंडल्ज होगे तो खराब ही माहौल है, बट अगर आप पढ़ाई के मन से आओगे तो बहुत अच्छी जगह है। और सारे टीचर सही हैं कि नहीं है? सारे टीचर बढ़िया हैं। और मैं तो बहुत कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि टीचर वगैरह अच्छे नहीं हैं। वो कभी कभार किसी टीचर के साथ वाइब नहीं बनती है या फिर बॉन्डिंग नहीं बैठती है, तो हाँ वो अलग चीज़ है थोड़ी सी, बट वो भी अगर वो बहुत से बच्चे मिलकर एप्लीकेशन दे तो टीचर भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ऑफलाइन बेस्ट सही है कि ऑनलाइन बेस्ट सही है, बताइए आप। तो भाई ये क्वेश्चन तो डिपेंड करता है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और या तो आप फाइनेंशियली वीक हैं, बट आप घर पे रह के अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं, आप मतलब डेली का काम डेली कंप्लीट कर सकते हैं ना, और अगर आपका बैकलॉग आसानी से ना लगे तो आप ऑनलाइन बेस्ट से पढ़िए, बट अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होगी और कहीं आपका बैकलॉग बनने की डर है आपको, या फिर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पाएंगे आपको लगता है, तो आप ऑफलाइन आइए, और अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो हाँ ज़रूर आइए, बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ टीचर्स का और बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। अच्छा भाई, जो सारथी वाला डाउट है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो यहाँ PW में क्या होता है कि लगभग शाम को 7 या 8 बजे शायद ये डाउट काउंटर यहाँ का बंद होता है, तो जब ये वो बंद होता है तो हम मॉर्निंग बैच वालों का सारथी चालू हो जाता है। तो हमारा इवनिंग 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक मेंटर हमें असाइन हो जाता है और हम उनसे जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब हम उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ? और वो वीडियो कॉल में अच्छे से हमारा मतलब 1-to-1 एकदम क्वेश्चन क्लियर करते हैं। इवन मैंने 2 बजे भी एडवांस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और मेरा सब कुछ क्लेरिफाई हुआ है। अच्छा, साहब के डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ की जो डाउट फैकल्टी है वो कैसे हैं? डाउट फैकल्टी अच्छे हैं, मतलब। अच्छा, आप कभी यहाँ डाउट पूछते हैं, कभी यहाँ पे आए कोचिंग में? हाँ। अच्छा, कब से यहाँ पे, कितने टाइम तक यहाँ डाउट फैकल्टी बैठे रहते हैं? डाउट फैकल्टी खैर शाम को 6 बजे तक तो शायद आसानी से बैठे ही रहते हैं, बट हाँ उसके बाद आप फिर सारथी का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कब से कौन सा बैच चलता है, मतलब कब मॉर्निंग में कितने बजे से बैच चल रहा है, शाम को भी कितने बजे बैच चल रहा है? फिलहाल तो मॉर्निंग में 8:45 से बैच चल रहा है और 1:35 पे शायद खत्म हो जा रहा है। हाँ? फिर इवनिंग वाले का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, वो 2 से 8 के बीच ही खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बताइए क्या PW का मॉड्यूल एडवांस के लिए इनफ है? PW के मॉड्यूल्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट यहाँ का जो ओवरऑल हमें कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है ऑफलाइन में, ये है हमारे मॉड्यूल्स हैं, हमारी DPPs है, फिर हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पराक्रम क्वेश्चन बैंक में जो हमें मिलते हैं, और उसके बाद में कई टीचर्स तो अपनी पर्सनलाइज्ड DPPs भी हमें प्रोवाइड करते हैं और उनका सोल्यूशन भी खुद ही देते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि मॉड्यूल्स का के लिए तो मुझे पता नहीं, बट अगर किसी ने यहाँ का ऑफलाइन का पूरा ओवरऑल कंटेंट सॉल्व कर लिया तो मेरे हिसाब से तो वो एडवांस के लिए इनफ है। अच्छा, आप अभी बताइए यहाँ के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताइए कुछ, और यहाँ डिस्ट्रक्शन से कैसे बचें? पहली बात तो अगर आप जैसे आप अगर पढ़ाई जितने आवर्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा आवर्स अगर आप किसी और एक्टिविटी को दे रहे हैं तो उसे तो मैं डिस्ट्रैक्शन ही मानूंगा। हाँ, तो अलग अलग लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कई लोगों के लिए गर्लफ्रेंड होती है, कई लोगों के लिए सोशल मीडिया होता है, कई लोगों के लिए उनका मोबाइल होता है, और कई लोग तो बस ऐसे शहर में घूमते रहते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होते हैं। बस वही चीज़ है कि अगर आप पढ़ाई से ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ को दे रहे हैं तो
वो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करने का तो बस एक ही तरीका है, फोकस बढ़ाओ। अच्छा, आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? डिस्ट्रैक्शन से बचने का मैंने पहले भी एक ही तरीका बताया, अभी भी एक ही कहूंगा, फोकस है। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी तरीके अपना लीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज में काम करना है, फोकस, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। चलिए ठीक है, तब आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और आपने रिव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। चलिए तब इस ब्लॉग को ही खत्म करते हैं।